स्वागत है पी टी सी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दी चोणां होण जा रहीआं ने, 25 अप्रैल में यह चोणां होणीआं ने। यह शायद पहली बार होया होना कि इन्ना विवाद इन्हां चोणां दे विच खड़ा होया होवे। उस पार्टी के उत्ते सवाल चुकया गया जिहड़ी पार्टी यह दावा करती है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दी चोणां होईआं ही साडे करके हैं। यह एक्ट ही असीं लैके आए हैं 1971 दे विच, सब तो वड्डी लड़ाई जिन्हें लड़ी होवे। अज उस ते सवाल चुकया जांदा है कि तुसीं इलैक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि तुसीं इक पोलीटिकल पार्टी हो, तुसीं सियासी पार्टी हो, तुसीं धार्मिक पार्टी है नहीं हो। इस करके अदालत दे विच भी जाना पिया, लोगों ना खुश जे, चोन निशान ना खुश जे, इस करके अदालत का सहारा लेना पिया और अदालत ने सहारा दिता, बाल्टी चोन निशान इन्हों दे दिता। मैं गल कर रहा श्रोमणी अकाली दल की। साढ़े नाल अज मौजूद ने हरमीत सिंह कालका साहब, श्रोमणी अकाली दल के दिल्ली इकाई के प्रधान ने, और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दोणों की सब तो वही जिम्मेवारी कालका साहब से छड़ी गई है। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। कालका साहब बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा, और मैं शुक्रिया करता कि तुम इन्ने बिजी शड्यूल थोड़ा जहा टाइम कढ़िया। कालका साहब, जिमें मैं शुरुआत कि एक अजिही पार्टी जी दावा करती है कि 1971 जो एक्ट बनया उसका सब तो वही लड़ाई असी लड़ी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे भावें श्रोमणी कमेटी होवे, उदी जो भी होंद चैक करते हो तो श्रोमणी अकाली दल थोड़ा खड़ा नज़र आता है, पर अज ये हालात पहुँच गए कि श्रोमणी अकाली दल में यह कहा जा रहा है कि तुम बाहर हो जाओ। देखो, ये हालात बनाए गए, ये हालात बनाने वाले बंदे उ ने जिन्होंने हमेशा कौम के नाल धरो कमाया। मैं इन्ना पता है कि जिस वक्त 1971 की अगर गल करिए, 1971 के जिन्या श्रोमणी अकाली दल ने कुर्बानियां कीतियां, जेलां भरिया, अंदोलन चलाया और इस एक्ट नूं बनाउण से, उस तो बाद 1975 के दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पहली चोण, और मैं इस करके इस डीपली पता है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर पहली बार उस चोण तो लड़े से श्रोमणी अकाली दल के, अपना तगड़ी चोण निशान से, और 1979 च उस तो बाद दूजी चोण हुई है। सानू महाराज की कृपा नाल संगत ने हर वक्त चुन के भेजा और लगातार उस तो बाद, चाहे उस तो बाद 1995 इलैक्शन हुई है, उस 2002 च हुई है, 2007 च हुई है, 2013 दे विच हुई है, 2017 च हुई है, 8वीं चोण हुण जा रही है अज इस वारी। मगर इस तरीके दे नाल उहनूं पेश करना, क्योंकि पिछली वार जिहड़ी किसी ने दावा कीता सी और उहनूं उहदे उत्ते असीं बिल्कुल कोर्ट दे विच जाके नकारता सी कि इह दावे तुहाडे गलत ने, कि इह पोलिटिकल पार्टी और रिलीजियस पार्टी दा इहनां ने इक डिफरेंस नहीं। पर गल कालका साहब थोड़ी थोड़ी जी नलायकी इतने नज़र नहीं आती थोड़ू कि 2010 के कोई मामला सामने आया तो उस तो बाद पैरवी ही नहीं की, मतलब 2021 आ गया, 11 साल तुम सुते रहे, तुम क्यों नहीं इस मामले में चुकया कि जो सा मीरी पीरी का सिद्धांत है, साडा सिद्धांत यह कहता कि सियासत धर्म दोवें चलन गए, हूँ भी तो सिद्धांत का टंडोरा पिट रहे हो ना, तुम उदो क्यों नहीं अदालती लड़ाई लड़ी? फिर हरप्रीत जी, पता की गल होंगी, अदालत की लड़ाई है, अदालत ने ही फैसले दिते ने, 2012 च भी फैसला दिता, 2017 च भी फैसला दिता, 2017 के इलैक्शन तो बाद जिस वक्त कोर्ट फिर चले गए लोग, उस इलेक्टा वेरवा पिछली साल भी सानू कोर्ट ने दिता कि बिल्कुल ठीक है। इस बारी मार्च की 10 तरीक नूं, अज असीं कित्थे खड़े हां, 2 अप्रैल नूं, मार्च की 10 तरीक नूं कोर्ट दे विच एफिडेविट सरकार खुद दे रही है कि इहदी विच कोई लोड़ नहीं हैगी, असीं ते पैरवी इहदी कर रहे हां, डबल बेंच दे विच जिस चीज़ के उत्ते स्टे हैगा उहदे उत्ते तुसीं लड़ाई लड़ रहे हो, और जाके देखो कोर्ट की तो सानूं कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कोर्ट ने तो हमेशा इस गल के उत्ते पैरा दिता है कि श्रोमणी अकाली दल एक जथेबंदी है जिन्हें इलेक्शन लड़नी है। तुहानूं लॉजिक ठीक नहीं लगता उहनां दा? लॉजिक यह है कि जे एक धार्मिक संगठन की इलेक्शन है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक धार्मिक संगठन है जिहड़ा सारे गुरुद्वारों की सांभ संभाल धर्म का प्रचार प्रसार करता है, तो उसकी सेवा धार्मिक जथेबंदियों को ही होनी चाहिए है, सियासी जथेबंदियों को क्यों होवे? तो क्या श्रोमणी अकाली दल धार्मिक जथेबंदी नहीं? तुसी सियासी इलेक्शन नहीं लड़ते, तुसी पंजाब च इलेक्शन नहीं लड़ते, तुसी दिल्ली एमएलए दी इलेक्शन नहीं लड़ते, फिर तो तुसी सियासी ते धार्मिक दोवें चीज़ा, मतलब जिथे तुहानू सूट बैठता तुसी उत्थे चले जाओगे। मैं गल दसदा, आपां पिछोकड़ देखिए, 1920 दे विच नवंबर के महीने में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन होता, दिसंबर के महीने के विंग बनाया जाता उसकी सेवा संभाल करने, 100 साल हो गए अजे श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सेवा संभाल करते हुए, साढ़े वो कुछ समा रहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का होल्ड को नहीं श्रोमणी अकाली दल को, और मगर साढ़े मैंबर फिर भी वो बहुत ज्यादा से, यह मतलब है अभी धार्मिक नहीं है। जेडे बंदे जिते जिते तक गुरचरण सिंह टोड़ा किन्ने साल राज्यसभा मेंबर रहे हैं, क्या वह धार्मिक नहीं सी? 26 साल जिन्हें पढ़ने पर लॉजिक लॉजिक कालका साहब यह दिता जाता ना भी सियासी लोगों का दबदबा धार्मिक मामलों के हो जाता, इनवॉल्वमेंट हो जाती है, जो भी कोई धार्मिक मसला हैगा उसके विच सियासी दखलअंदाजी की जाती है, इस करके धर्म पिछे रह जाता सियासत उपर आ जाती है। देखो, अगर इस गल में आप चलीए तो असं तो इसी गल का दूसरी गल तुम कही टिंडोरा पिटन वाली कि मीरी पीरी का सिद्धांत गुरु हरगोबिंद महाराज देखे गए, जे आप धर्म की गल करनी है तो सियासत की गल, पर मीरी पीरी का सिद्धांत
ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਸਿਆਸਤ ਨੀਵੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ 2013 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਖੀਸ਼ਾ ਮੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कोई ऐसा प्रोग्राम होया हो जिथे इतने किसी पोलिटिकल आदमी बुलाया गया हो किथे आके किसी नूं सरोपा दित्ता होया सम्मानित किया गया जिथे साडे धर्म की गल आएगी जिथे साडी कौम की गल आएगी असीं सब तों अगे खड़े होवांगे यह लड़ाई हमेशा श्रोमणी अकाली दल लड़दा है बट तुसीं इह नहीं कह सकदे जज साहब ने पूछा एच एस फुलका बहुत वड्डे वकील बंदे आ उन्होंने जज साहब ने खुद पूछा कि मैनूं रिलीजियस पार्टी की डेफिनेशन दे दो जिहड़ा बंदा मैं रिलीजियस हाँ मैं क्या सैकुलर नहीं हो सकता मैं अपने धर्म का पक्का बट मैनूं दूजे धर्मां दी इज्जत करना मान करना दी की दिक्कत है इह एक्ट एक्ट दे विच डेफिनेशन हैगी 1971 दा एक्ट दे विच डेफिनेशन है कोई कोई एक्ट की ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਐਕਟ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਕਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਐਕਟ ਸਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਚੜਦਾ ਕੌਮ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜਿਆ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ऐसा जथेबंद धरना दे दो ऐसा कोई एक मिसाल दे दो जिदे विच श्रोमणी अकाली दल की शमूलियत ना हो अज आपां किसानां दी गल करदे आ किसान बैठे है मगर उहदे विच 70% तों उत्ते श्रोमणी अकाली दल का वर्कर बैठा असीं उस लड़ाई नूं खराब नहीं करना चाहते जिनी सेवा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उत्ते कीती है असीं श्रोमणी अकाली दल का प्रधान होंदे मैं डेली उत्ते गया जे जिहड़ा तुहानूं चोण निशान मिल गया तुसीं इदां क्यों समझण लग गए कि तुसीं दिल्ली दी इलैक्शन जित लईआं मतलब लोकां दे विच चर्चा चल रही है कि तुहानूं तुहाडे ही चोण निशान मिलिया ते तुसीं ऐ दिखा रहे हो कि ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਤ ਕੁਰਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਈ ਬੀਇੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚੁਰਡ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੜਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜ ਸਕਾਂ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ 네ਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਆ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਰਟ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਵਾਂ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਡੂ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਮੈਂ ਬੜੀ ਫਰਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦ ਤੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਿਆ ਮਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੁੱਟਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ 2013 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ 2017 ਦਾ ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੋਸਟਰ ਸਟਿੱਕਰਸ ਕੋਈ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ
क्योंकि पार्टी का प्रधान आ मैनू हर चीज़ का ध्यान रखना और श्रोमणी अकाली दल मैं हर स्टेजा के उत्ते श्रोमणी अकाली दल के इतिहास तो गल शुरू करता जो श्रोमणी अकाली दल का गौरव इतिहास है 100 साल पुराना इतिहास है मैं हर स्टेज के उत्ते कल रात भी जो 2 प्रोग्राम होए चाहे रजौरी गार्डन की गल कर लो चाहे राजेंद्र नगर की क्योंकि लैगसी है थोड़ी वड्डी लैगसी बिल्कुल लैगसी उस करके ही मैं हरमीत सिंह आज इंडिविजुअल कुछ नहीं है मैं किसी धड़ेबंदी का प्रधान नहीं हाँ मैं इन्नी वड्डी पार्टी का प्रधान हाँ दिल्ली का जिदा इन्नी वड्डी लैगसी है जिन्ना इन्ना वड्डा पिछोकड़ है और गौरव भी पिछोकड़ है यह नहीं कि कोई साड़ा कोई सानू कोई चीज की नमोशी हो सकती है सो इस गल मैं उस चीज का पूरा डिसिप्लिन मेंटेन भी करता और मेरा हर मैंबर जेड़ा भी है उन्हें इंस्ट्रक्शन होंगी कि जेड़ी गल करनी है श्रोमणी अकाली दल की करनी है तुझे हूं भी मैं गड्डी चो उतरिया तो मैं सिंबल लाया हुआ है बैच क्योंकि मैं मीटिंग तो आ रहा उसके उत्ते भी प्राउड टू भी अकाली लिखा एक एक करके अपने सारे इशूज कवर करने की कोशिश करांगे एजुकेशन का मुद्दा एक बड़ा वड्डा मुद्दा मैंने पता है कि दिल्ली दे विच एक टाइम सीगा जदों GHPS स्कूलों दे विच सिफारशां लड़ानियां पैंदियां सीगियां तां भी एडमिशन नहीं मिलती सी अज हाल देख लो GHPS स्कूलों का की है हर स्कूल के बाहर थोड़ा टीचर धरना मारते हुए दिखाई दे देंगे कि सानू तनखाहां नहीं मिलदियां बच्चों की एडमिशन घट हो रही रिजल्ट लगातार डाउनफॉल जा रहा है ये सिस्टम एजुकेशन सिस्टम मैं तो लगता थोड़ा ठप नहीं कर देना चाहिए हर रोज़ का कला कलेश हुंदा तुसीं एक पासे कहने हो कि तुसीं हस्पतालां दे विच कौम दा नाम चढ़ती कला च गया जो ये टीचर सोशल मीडिया से वायरल हो के गल करते हैं कौम के कड़े झंडे झूल रहे होंगे देखो मैं तुम्हें गल दसदा ये की गल है कि तुहाडी गल बिल्कुल जायज है कि जिस वक्त मैं आप गुरु कृष्ण पब्लिक स्कूल तो पढ़िया और जो ग्लोरी उस वक्त होंगी सी एक मुकाबला सी DPS और मॉडल स्कूल बिल्कुल बिल्कुल मगर तुसी एदा डेप्थ जाके देखो कि यह होया क्यों 2006 दिल्ली दे विच 6th पे कमीशन लगता है टीचरां नू तनखावां वधा के देनी है विधान के तुहाडे कोल पैसे की सोर्सिस नहीं है सरना साहब प्रधान ने दोनों भरा कभी एक साल होता से दूजे साल होता से पैसा तुसी स्टूडेंट्स नू ले लिया तकरीबन 100 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया हर स्कूल दे विच सफिशिएंट पैसे पे ने बच्चे टीचर नू उन्हां दा ड्यूज दिता नहीं पैसे पे रह गए हुण जब पैसे पे रह गए तो लोकल जिहड़े तुसी चेयरमैन बिठा रखे है उन्होंने टीचर भर्ती करनी शुरू करती अपने इलाके के बंदियां दी जिन्हां दे कोई टैसट नहीं लिए गए कोई क्वालिफिकेशन चैक नहीं कीतियां गईआं और जिस वक्त जिस तरीके दा स्टाफ भरिया गया कालका साहब ये गल्ला तुसी कहंदे तां चंगे लगदे सी जे कमेटी 6 महीने बाद मैं तुहानू सवाल पुछदा 5 साल तो लगभग 5 साल हो चले तुहाडी कमेटी नूं तुहाडी कमेटी सोती पई है जे गलत तरीके नाल टीचर भर्ती कीतियां तुसी कड्डे क्यों नहीं तुसी कहंदे हो कि देणदारियां सीगियां 5 सालां तुसी देणदारियां नहीं मुका सके 5 साल नहीं 8 साल हो गए 6 साल दी मैं तुहानू अगली पिछली गल करदा वां जे देणदारियां वाला जिहड़ा हिसाब सी जिन्हें पैसे साडे कोल इकट्ठे होए दिंदे रहे सरदार मनजीत सिंह जी के भी उस वक्त प्रधान रहे उन्होंने ही सारिया पॉलिसियां बनाईया इन्हूं चलाने की कोशिश की मगर जिस तरीके दे नाल एरियाज वधदे चले गए लोग स्टाफ जिहड़ा चलेगा कोटा दे विच क्योंकि 250 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी होगी जद तुहाडे कोल पे 80-90 करोड़ रुपया होए डबल तो उत्ते दी तुहाडी देनदारी होए तो वह गुरुद्वारा कमेटी कितों करेगा अच्छी इहदी पॉलिसी किन्ने बनानी है इहदी पॉलिसी बनानी प्रधान ने इहदी पॉलिसी जिस वक्त प्रधान साडी वारी आई है असीं 2 सालां दे विच 40 करोड़ रुपया दिता मजीत जी के दावा करता जब तक मैं प्रधान से एक धरना का हादो जो लग्या हो जब तक मैं प्रधानगी छी है तो धरने रुकने का नाम नहीं लेंगे मैं वह कारण दसदा ना जिस दिन मनजीत सिंह जी के प्रधान बनता है वह को बैंक के 90 करोड़ रुपया 92 करोड़ रुपया पिया जितों उन्हें सिस्टम में चलाया मैं 10 रुपए देने ने अगर तुम 8 दे रहा तो शांत रहोगे जिस दिन असी कमेटी लेंगे 4 महीने की तनखा बकायदा बकाया 10 लाख रुपया टोटल साढ़े को नहीं है जिसे दिल्ली कमेटी के करोड़ा जो लाइबिलिटी छड़ के गए एसट भी तो छड़ के गए होने ना थोड़े को है नहीं एसट नाल लै गए अपने जिहड़े जिहड़े तुसी FDIAं की गल करते हो सब कुछ खाली करके अज करोड़ा रुपए की देनदारी उन्होंने परसन ले गई चलो मैं उस पासे नहीं चलो कालका साहब पर इस मसले का हल तो कढ़ना ही पऊगा ना कदों तक तुहाडी कमेटी ये कहती रहेगी कि सरना साहब खराब कर गए GK साहब खराब कर गए तुहानू संगत ने जिम्मेवारी दित्ती तुहाडे सपुरदगी कीता सब कुछ ये सिस्टम हुण तुसीं ठीक करना हुण तुसीं मैनूं एक कारण दस दो कि लोग क्यों तुहाडे ते फिर इतबार करन कि तुसीं स्कूलां नूं फिर ग्लोरीफाई करोगे अज टीचर्स कोल जाके पुछ लो करोना महामारी दे विच जो सानू कोर्ट दे ऑर्डर दित्ता है पाई पाई दित्ते इस महीने तो 100% उन्हां दी तनखा शुरू करती क्योंकि उन्होंने डिमांड दफ्तरां दा कराओ करदे ने टीचर आके कालका साहब एक्चुअली की है जिहड़े बंदे उस टाइम दे उत्ते इन्हां प्रबंधकां वल्लों रखे गए होण उह उन्हां दी भाषा बोलणगे इह एक पोलिटिकल इशू बनाया जांदा 18 तों 20 बंदे इत्थे आउंदे टीचर्स हैगे ने 1800 बाकी दे उहनां दे कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी
और वही बंदे चार दिन बाद फिर साड़ी भाषा बोल रहे होंगे ने क्यों क्योंकि उन्होंने जिस वक्त अपनी चीज़ मिल जाती है मैं समझता इन पोलिटिसाइज किया जाता जिस चीज़ को उत्ते आप गल करिए बट नट शेट रिस्पोंसिबिलिटी कमेटी की है साड़ी जी गल पुछी कि अगे की सोचे क्योंकि असी जो रोड मैप इन्होंने बना के दिता क्योंकि साढ़े को अज तक देखो पहली गल तो 40 करोड़ रुपया 2 साल पिछले 50 साल का रिकॉर्ड चुके देख लो किसी ने अद्धे भी नहीं दिते मगर दिल्ली कमेटी असी आके दिते उस तो बाद जिहड़ा अगला प्रोग्राम है असी देन तो बाद यह प्रोग्राम बनाया क्योंकि असी लोगों के जिस वक्त वापरिया जो करोना महामारी के लोग घर नहीं आ गुरुद्वारे नहीं आते गुल्लक पैसे नहीं पाते संगत ने साड़ी अपीलों से पैसे दिते हैं सानू समझ आ गया कि इन्हों उठा वैसे जब तक फाइनैशियल एक बर्डन बोझ नहीं हटेगा यह ठीक नहीं हो सकता सो असी ए वर्किंग शुरू करती और हुण वर्किंग की है कि अज 50 साल जब तो गुरुद्वारा कमेटी बनी किसी ने FCRA अकाउंट नहीं लिया अज जिस दिन असी बाला साहब हॉस्पिटल ओपनिंग करते हैं उस दिन शाम सानू साड़ी चिट्ठी आ जाती है कि FCRA अकाउंट हो गया फॉरन करंसी तो जो पैसा आता है वो इस एजुकेशन असी लिया और सानू पहला अकाउंट होएगा पूरे हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा सिर्फ एजुकेशन नाल होएगा सारे कामां वास्ते दिता है मुख मुकाबला किस नाम मनते हो तुसी क्योंकि जड़ियाँ पिछलियाँ इलैक्शन हो पिछलियाँ इलैक्शन हो अक्सर यह कहा जाता है कि श्रोमणी अकाली दल ता जितया कि वो काबल नहीं है श्रोमणी अकाली दल इस करके जितया क्योंकि ओपोजिशन कमजोर है हुण तां थोड़ी ओपोजिशन बड़ी स्ट्रोंग है देखो तुम जिन्हों मर्जी स्ट्रोंग समझो बट मैं पर तुम किनू समझते हो तुम समझते हो कि मुकाबले च कोई है कि नहीं है देखो मैं मुकाबले में किसी को नहीं समझता ओदा कारण है क्योंकि मैं गुरु के भैच रहने वाला बंदा और मैं इस गल नू समझदा कि जो असीं काम कीते हैं लोगों ने साडे कामां नू सहारना है असीं स्टेजां ते जाके नैगेटिव गल्लां नहीं करदे असीं गल्लां करदे हां पॉजिटिव एजेंडे दीआं जो पॉजिटिव काम कीते हैं या पॉजिटिव काम करने हैं तुसीं इन्हां दोनों की स्पीचां सुन लो इन्हां ने जाके सिर्फ ते सिर्फ साडी नैगेटिविटी करनी है कदी इन्हां नू मेरी दाड़ा प्रकाश खुला पसंद नहीं आउंदा कदी साडे कपड़े पाउण दा ढंग नहीं आंदा इह कोई पंथ दी गल्लां ने तुसीं गल करो कि असीं कम्युनिटी वास्ते की कीता तुसीं कित्थे हादा नारा मारिया 1984 दी लड़ाई लड़ी श्रोमणी अकाली दल ने लड़ी 35 साल बाद सज्जन कुमार नू किन्ने अंदर कराया श्रोमणी अकाली दल ने सरदार मनजीत सिंह जी के बड़ा शोर मचाते हैं जी कि मैं लड़ाई लड़ी मैं किया तू तो 15 साल तो 1995 तो मैंबर से क्यों नहीं कर सके जिस दिन तुम श्रोमणी अकाली दल सांझ पाते हो क्योंकि तुम्हारी मिनिस्ट्री जी गल आप गल करते हैं कि जी धर्म और पॉलिटिक्स की गल करते हैं जे अगर साड़ी बीबी हरसिमरत कौर बादल पार्लीमेंट बैठी से आवाज़ चुकी गई SIT बनी उत्थे स्पैशल केसिस हुए तद जाके सज्जन कुमार वर्गे अंदर हुए जे अफगानी सिखा की गल हुई तो उन्होंने करके हुई जे अज ब्लैकलिस्ट की गल होंगी ये व्डे जे मुद्दे ने पार्लीमेंट चुकन वाले उन्होंने चुके ने तो अकाली दल खड़ा होया अपने आप को क्रेडिट लैन की गल करते जे क्रेडिट लैन की गल हैगी सरदार मनजीत सिंह तुहानू कहना चाहिए मैं नहीं किते पार्टी ने नहीं क्रेडिट वो क्यों ना लैन उन्हां दी प्रधानगी दे विच होया तो क्रेडिट उन्हां नू जांदा या थोड़ी पूरी कमेटी नू जांदा या थोड़ी पार्टी नू जांदा इत्थे कंट्राडिक्ट तां तुसीं खुद हो तुसीं कह रहे हो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी है तो वो सारे धार्मिक कामां च है उहदे च पार्टी का कोई लेना देना नहीं जे दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कोई काम करती है तो उसका क्रेडिट तो कमेटी नू जाएगा उसका क्रेडिट तुसीं अकाली दल नू किवें दे सकदे हो मैं लगता कितने ना कितने मिसअंडरस्टैंडिंग है कन्फ्यूजन है मैं कभी अज तक गल नहीं की कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की किए हुए कामों का क्रेडिट पार्टी नहीं है पार्टी क्यों नहीं है जी मैं पार्टी का दिल्ली का प्रधान हाँ जे मैं जाके किसानों के मोर्चे से खड़ा हो रहा तो मैं पार्टी लाइन तो बाहर होकर कर रहा जे मैं संगत की सेवा कर रहा तो मैं पार्टी लाइन तो बाहर होकर जे साडे इंस्ट्रक्शन साडे बादल साहब सुखबीर जी अगर मना कर देंगे क्या मेरी वो हैगी कि मैं जावांगा जे मेरी अंतर आत्मा मेरी इतने सेवा करने वास्ते भेजती है उसके अलावा आउट ऑफ बॉक्स जाके अपन कोई काम करते हैं तो पार्टी लाइन तो करते हैं ये गल्लां अगर पार्टी अज मैं जिम्मेवारी कर रहा मैं कह दवा जी मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी है जे अगर असीं काम किया अज हॉस्पिटल खोलिया तो पार्टी को मैं क्रेडिट ना देवा पार्टी सारी टीम है
ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਵਾ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ 6ਵੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਓ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਸਿਆਸਤ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਹੀ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ